नमस्कार दोस्तों, फेबुलस एकेडमी कुचामन सिटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 4 दिसंबर की करंट अफेयर्स है वो देखेंगे। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपको करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पर। पहला सवाल है कि नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया जा रहा है वो कौन सा संस्करण है या कितनेवें नंबर का है? तो पहली बात तो ये है कि हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। अभी ये जो मनाया जा रहा है 2019 में वो 20वां संस्करण है, आपको याद रखना है, 20वें नंबर का है। आज से कुछ दिन पहले हमने दोस्तों एक देखा था संगाई महोत्सव। संगाई जो फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है? आप एक बार याद करो, मैंने एक राज्य बताया था मणिपुर, और जिसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। वैसे ही नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और नागालैंड के अंदर मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। बढ़ते हैं आगे। देखो ये हॉर्नबिल महोत्सव है, इसमें ये जनजातियां हैं, और देखो ये 2019 का, इसमें इस प्रकार से ये कार्यक्रम हो रहा है, रंगारंग कार्यक्रम। आपको पता रहे कि ये 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और ये इसका 20वां संस्करण है। इसके अंदर क्या है, सांस्कृतिक विरासत दिखाने का एक मौका मिलता है, जिसे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। खूब सारे लोग इस हॉर्नबिल महोत्सव को देखने के लिए नागालैंड जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। कर्नाटक के इस तेज गेंदबाज ने T20 मैच में 1 ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए, यानी कि 6 बॉल के अंदर 5 विकेट लिए हैं। उस गेंदबाज का आपको नाम बताना है दोस्तों, उसका नाम है अभिमन्यु मिथुन। अभिमन्यु मिथुन ने अभी कल परसों ही ये रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड इन्होंने हरियाणा के खिलाफ बनाया है। घरेलू क्रिकेट के अंदर एक ट्रॉफी चल रही थी, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसकी पहली, उस ट्रॉफी में अभिमन्यु मिथुन है, उसने पहली 4 गेंदों पर 4 विकेट लिए तथा आखिरी बॉल पर उसे एक 5वां विकेट मिला। आपको ध्यान रहे दोस्तों कि इन्होंने घरेलू क्रिकेट के अंदर 3 बार हैट्रिक बनाई है, और ऐसा बनाने वाले ये पहले गेंदबाज है। एक बार भारत के लिए भी खेले थे, लेकिन आज के लिए टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, 1 ओवर में 5 विकेट लेने वाले कर्नाटक के गेंदबाज का नाम है अभिमन्यु मिथुन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है कि वित्त मंत्रालय ने 24वें लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपको उसका नाम बताना है। अभी कल परसों बहुत चर्चा में रही थी सोमा रॉय वर्मन, ये लेडी है जिसको लेखा महानियंत्रक के पद पर नियुक्त किया गया है। ये 1986 बैच की भारतीय सिविल लेखा सेवा यानी कि इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज की एक अधिकारी है, और अपने 33 साल के लंबे करियर में इन्होंने कई विभागों के अंदर नौकरियां की सेवाएं दी है, और अभी इनको भारतीय लेखा महानियंत्रक बनाया है वित्त मंत्रालय के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है, लेडीज हैं सोमा रॉय वर्मन, इसलिए आपको याद रखना है, ये जो बैठी है वहां से यही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको बताना है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? सीमा सुरक्षा मतलब BSF। आपको बता दें 1962 के अंदर चीन ने आक्रमण किया था भारत पर, चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था, और 1965 के अंदर भारत का युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, पाक के साथ युद्ध हुआ था। इन दो युद्धों के कारण भारत की सीमा रेखा को जो मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक दल की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया सीमा सुरक्षा बल। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई है दोस्तों, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, BSF की 1965 में स्थापना हुई थी, और ये इसका 55वां स्थापना दिवस था दोस्तों, और 1 दिसंबर 1965 को स्थापित किया गया था। इसका जो आदर्श वाक्य ये है, ड्यूटी अनटू डेथ, यानी कि मृत्यु तक आपको अपने कर्तव्य प्रायण कर्तव्य पर डटे रहना है, सीमा की सुरक्षा करते रहना है। और ये देखो 2019 का जो है BSF डे मनाया जा रहा है BSF के कार्मिकों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नियमित टीकाकरण से छूटे हुए बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया गया? आपको बता दें, नियमित टीकाकरण के लिए सरकार ने एक मिशन इंद्रधनुष चलाया था, अब उसको ही रिवाइव करके मिशन इंद्रधनुष 2.0 चलाया जा रहा है, और ये 4 महीने तक चलेगा। इसकी डिटेल देखो आप, ये देखो ये 2 दिसंबर से अभी चालू हुआ है कल परसों से, और 2 मार्च 2020 तक चलेगा, यानी कि 4 माह तक चलेगा ये इंद्रधनुष 2.0। अब आपको ध्यान रखना है, इसमें करेंगे क्या, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण होगा इसमें, और 7 बीमारियों के लिए होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 रोग हैं, उन 7 रोगों को आपको ध्यान से देखना है। एक है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, तपेदी, खसरा, मेनेंजाइटिस और हेपेटाइटिस बी,
यानी कि ये जो सात बीमारियां हैं, ये देखो इधर भी दिख रही है आपको, मिशन इंद्रधनुष, ये छत्ते के सात रंग है, और ये नीचे देखो एक बच्चा वैक्सीन ये इंजेक्शन लिए हुए खड़ा, और इसके साथ मिजल्स है, पोलियो है, पेप्टाइस है, टिटेनस है, टीबी है, डिप्थीरिया है, और हेपेटाइटिस बी है। ये आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट सात डिजीज के लिए ये प्रयास कर रही है, और 2020 तक कुल 89 लाख बच्चों को इस दायरे में लाया जाएगा, टीकाकरण के दायरे में। इससे बच्चों के अंदर रोग नहीं हो पाएंगे और इस प्रकार के जो बीमारियां होती है ये बीमारियां हो नहीं पाएगी। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, अबोलिशन ऑफ इंटरनेशनल स्लेवरी डे है, ये कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को हर एक साल इंटरनेशनल स्लेवरी अबोलिशन डे मनाया जाता है। देखते हैं इसकी डिटेल, ये देखो इंटरनेशनल डे फॉर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि दासता को हटाने के लिए, उन्मूलन के लिए दिन मनाया जाता है। दासता देखो ये बच्चे हैं, ये इस प्रकार का काम करते हैं, बेड़ियां लगा रखी है इनके, पत्थर का काम करते हैं, या इनको कैद कर लिया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, तो इनके खिलाफ 2 दिसंबर को हर एक साल यूएन के द्वारा ये डे मनवाया जाता है। देखो आधुनिक दासता के बहुत सारे तरीके, जैसे किसी का जबरदस्ती शादी कर देना, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, बाल मजदूरी में, जबरन विवाह में, ये सब के सब है ये दासता के दायरे में ही आते हैं, और इनके खिलाफ हर एक साल 2 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में एनडीए के कौन से पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड की समीक्षा की? इसका राइट आंसर है दोस्तों 137, यानी कि देश की आजादी से पहले ही नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़ग वासला के अंदर स्थापित हो चुकी थी, और उसके 137वें बैच की अभी समीक्षा की है भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। ये आपको याद रखना, 137वां बैच अभी पासिंग आउट हुआ है, और देखो ये खड़ग वासला है नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका बाहर का है दृश्य, और ये ऊपर से एरियल व्यू लिया गया है, बहुत ही शानदार दिखाई देती है। एक बार अवसर मिला था जाने का, पुणे के अंदर है ये खड़ग वासला, ये 137वें बैच की समीक्षा की है इन्होंने। हालांकि इन्होंने कहा है कि जो परंपरागत जो हमारी टेक्निक होती है सैनिकों की, इससे ज्यादा अब हमें साइबर खतरों के लिए, घृणा भरी विचारधाराओं से निपटने के लिए भी तैयार में रहना है, आतंकवाद से लड़ने के लिए भी तैयार रहना है। कल हमने पढ़ा था दोस्तों कि IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी है वो कहाँ है? देहरादून में। और आज हम एक चीज देख लेते हैं, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी है वो कहाँ है? डिंडीगुल। डिंडीगुल कहाँ पे पड़ती है? हैदराबाद में। और कल ही हमने देखा था एक इंडियन नेवल एकेडमी है वो अजीमल्ला में, अजीमल्ला। और आज हमने देख लिया एनडीए का, तो 4-5 एकेडमी एक ही साथ होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि 13वें दक्षिणी एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत कहाँ पे हुई है ये आपको बताना है। 13वें एशियाई खेल, एशिया के देश खेलेंगे यहाँ पे, ये हुई है काठमांडू में। काठमांडू जिस देश की राजधानी उसका नाम है नेपाल, और ढाका किसकी है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, और इस्लामाबाद पाकिस्तान की है ही। बढ़ते हैं आगे, इसकी डिटेल देखते हैं। ऐसे सवाल पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ध्यान से देखना आपको, देखो ये लोगो दिया हुआ है इसका, और ये 13वां है। साउथ एशियन गेम्स है काठमांडू के अंदर, 1 से 10 दिसंबर 2019 तक होंगे, यानी कि अभी चल रहे हैं दोस्तों। और इसको नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है, उसने इसका उद्घाटन किया है। और देखते हैं कि 10 तारीख को जब 319 स्वर्ण पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा होगी तो भारत की क्या स्थिति रहती है। बाकी आपको ध्यान रखना है साउथ एशियन गेम्स 2019 है वो काठमांडू में है, जो नेपाल की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नवा सवाल है कि नागालैंड ने आपको बताना है कि अपना राज्य दिवस मनाया कब मनाया है, उसकी डेट बतानी है आपको। इसका राइट आंसर होगा 1 दिसंबर को। आपको ध्यान रहे कि 1 दिसंबर 1963 के अंदर असम से अलग एक राज्य की स्थापना की गई, असम से अलग करके, और उसका नाम दिया गया नागालैंड। इसलिए ये 1 दिसंबर 1963 से लेके अब तक अपनी स्थापना के 57 वर्ष मना चुका है, ये इसका 57वां स्थापना दिवस था। 1 दिसंबर 1963 को 16वां राज्य बना था, ये कौन सा? 16th राज्य बना था। आपको बता दें कि अभी इसके जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। और इसके जो राज्यपाल है नागालैंड के, उनके नाम है RN रवि। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का मैप आपको यहाँ दिया गया है, उसमें देखना है कि देखो इधर से एंट्री होती है नॉर्थ ईस्ट की, ये जो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ चित्र में, इसको बोला जाता है चिकन नेक, या फिर इसी को बोला जाता है सिल्ली कुड़ी गलियारा,
इसी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट भारत का, भारत की मुख्य भूमि है उससे संपर्क होता है। आपको ध्यान में रखना, देखो ये है अरुणाचल प्रदेश यानी ए, ये नागालैंड यानी ना, ये मणिपुर यानी कि मैं, और ये मिजोरम यानी मी यानी अन्ना मम्मी। ये चार स्टेट ऐसे अन्ना मम्मी वाले जो म्यांमार को स्पर्श करते हैं सीमा, इसमें से ये नागालैंड ये यहाँ पे स्थित है दोस्तों, जिसकी राजधानी क्या है, कोहिमा है, आपको ध्यान रखना है। और ये त्रिपुरा है जिसके तीन ओर देखो, इधर भी ये बांग्लादेश है। इन सातों को, चार एक त्रिपुरा, पांच मेघालय, छह और असम सात, इन सातों को मिला के सात बहने कहा जाता है पूर्वोत्तर भारत की। तो आपको ये भी याद रखना है सात बहने में कौन कौन से राज्य हैं, और ये इन असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और जो मिजोरम है, इनकी म्यांमार से लगती सीमा का क्रम भी आपको याद रखना है। ये मैप आपको एक बार वापस देख लेना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री पाने वाला पहला एशियाई देश कौन है? तो यहाँ पहले तो हम देखेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ हो रहा है, और गेस्ट ऑफ कंट्री देश हुआ है भारत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेक्सिको के अंदर एक जगह है जिसका नाम है ग्वाडला जारा। क्या नाम है? ग्वाडला जारा। और कहाँ स्थित है ये? मेक्सिको में। मेक्सिको मतलब है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, वहां पे ये एक बुक फेयर चल रहा है, और ये स्पेनिश भाषा का दुनिया का सबसे बड़ा जो बुक फेयर है, पुस्तक मेला है, इसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री का दर्जा मिला है, और ऐसा दर्जा पहली बार किसी एशियाई देश को मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया? आपको पता है कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे 288, काफी ड्रामे के बाद में वहां उद्धव ठाकरे हैं, वो ठाकरे हैं, वो वहां के सीएम बने हैं, और अब नाना पटोले को इसका विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। आपको बता दें कि बीजेपी वालों ने अपना नेता खड़ा किया था लेकिन नाम वापस ले लिया, उसका नाम था किसान कथोरे, तो कथोरे का नाम वापस लेने से अब निर्विरोध नाना पटोले को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है महाराष्ट्र की। आप देखो ये चित्र में ये दिखाई दे रहे हैं, यही है नाना पटोले, और ये निर्विरोध चुन लिए गए हैं। और अब फ्लोर टेस्ट होगा, उससे पहले सबकी सहमति से इसको चुन लिया गया। फ्लोर टेस्ट का मतलब कि 288 में से 145 सीटों का समर्थन देना पड़ेगा, शिवसेना को बताना पड़ेगा कि 145 विधायक उनके पास हैं, और वो सरकार बनाने जो बनाई है वो सरकार स्थायी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कोई दिक्कत आने वाली नहीं है दोस्तों, क्योंकि 56 सीट जो इसकी है शिवसेना की, SS की 54 सीट है इसके अंदर, राष्ट्रीय कांग्रेस की, और 44 सीट है कांग्रेस की, एनसीपी की है 54 सीट, तो ये टोटल मिला के हो जाएगी आराम से 154 सीट होने जा रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं दोस्तों। देखते हैं आगे, पुरुषों के एकल फाइनल में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, पहली बात तो ये कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? यह है बैडमिंटन से दोस्तों, बैडमिंटन से खेल संबंधित है। और अभी इसका जो फाइनल मैच है वो खेला गया, और उसको वांग जू वेई ने जीता है। वांग जू वेई चीनी ताइपे के रहने वाले हैं, चीनी ताइपे के, और उन्होंने भारत के ही सौरभ वर्मा को हरा दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों, देखो ये सौरभ वर्मा है ये, और ये जो चीनी ताइपे के खिलाड़ी है वांग जू वेई, इनको हरा दिया है, तो विजेता ये रहे हैं, गोल्ड मेडल है इनके हाथ में और इनके हाथ में सिल्वर मेडल है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP25 कहाँ आयोजित हो रहा है? ये हमें पीछे की स्लाइड में भी देखा था, लेकिन चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंट डाल सकते हो आप, वो इसलिए है, अभी बताऊंगा मैं आपको, कि ये मेड्रिड में हो रहा है, और मेड्रिड जिस देश की राजधानी है उसका नाम है स्पेन, और स्पेन जिस दे महाद्वीप में स्थित है उसका नाम है दोस्तों यूरोप। देखो आगे डिटेल, देखो ये चिली में होने वाला था, लेकिन चिली के अंदर चूंकि बहुत ज्यादा अशांति है, प्रदर्शन हो रहा है रोडों के ऊपर, तो अब ये मैड्रिड के अंदर शिफ्ट हो गया, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये पहला कोप है जिसको किसी दूसरे देश में करवाया जा रहा है, लेकिन उसकी अध्यक्षता चिली के राष्ट्रपति ही करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत के पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, वो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे एक निम्नलिखित में से किस देश ने मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य फेस स्कैन किया है, यानी कि चेहरा स्कैन होगा तभी आपका वो लॉक खुलेगा और मोबाइल चलेगा? इसका राइट आंसर है चीन दोस्तों। देखो ये स्कैन होगा आपका चेहरा तभी आपका मोबाइल एक्टिव हो पाएगा।
हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इससे पहचान के डाटा आंकड़े हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे और हमारी गोपनीयता है वो भंग होगी, लेकिन चाइना ने कहा है कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार की फेस रीडिंग होगी और फेस का स्कैन होने के बाद ही आप मोबाइल को यूज कर पाएंगे। तो हालांकि भारत में ऐसा नहीं हुआ, चाइना के अंदर हो रहा है ऐसा। आगे बढ़ते हैं, आज का जो करंट अफेयर्स है इतना ही दोस्तों। फेवरेट अकेडमी का करंट अफेयर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप नियमित बने रहिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों 5 दिसंबर के करंट अफेयर के साथ। थैंक यू वेरी मच।